और स्वाभाविक उसमें जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें भी युवाओं का पूरा योगदान है और पूरा युवा ही इसको चलाते हैं, तो स्वाभाविक है कि जिसका आधार युवा होगा वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें अधिक से अधिक ऊर्जा होगी। आज के कार्यक्रम जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के पीछे का भी उद्देश्य है कि आज हम योग पर एक लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन कार्यक्रम कर रहे हैं। योग का मतलब ही है कि अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करना, क्योंकि इस कार्य में हमें एक अनुभवी वक्ता मिले हैं, उन वक्ताओं से आप लाभ लीजिए, उन वक्ता का आप लाभ लीजिए। और अपने जो ट्रस्ट के सचिव हैं, जो सारे कर्ता धर्ता हैं वेद जी, उनको मैं आगे के कार्यक्रम के लिए बुलाता हूँ। धन्यवाद, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और आप लोग ट्रस्ट से जुड़िए, यही निवेदन है। वेद जी धन्यवाद सर, धन्यवाद अखिलेश सर। कंप्लीट रिलैक्स, आंखें बंद, दोनों आंखें खोलते हुए, दोनों हाथ सामने पूंजी बंद करते हुए रोटेशन शुरू करेंगे दोनों हाथों का। दोनों हाथ कंधों पर, शोल्डर्स पर, एकम दुए, एकम दुए, एकम दुए, एकम दुए, एकम दुए, एकम दुए, छटाते हुए एकदम तुए, एकदम तुए, तुए हाथ ऊपर, एकदम तुए, परिवृता त्रिकोणासन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो या हाई ब्लड प्रेशर हो वो इस आसन को अवॉइड करें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का फैटी लिवर की प्रॉब्लम है या स्पाइन की प्रॉब्लम है उनके लिए आसन बहुत ही लाभदायक आसन। अभी हम बैठने वाले दो आसनों का अभ्यास करेंगे, आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये दंडासन की स्थिति में मैं बैठा हूं, दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे, दोनों पैर एक साथ, आपके दोनों हाथ सटे हुए। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले आपको राइट लेग फोल्ड करना है, एकदम दुए, आपके दोनों हाथ आपके फेस के ऊपर, आपकी दृष्टि बिल्कुल सामने रहेगी। ये वज्रासन पूछे की ऐसे आसनों में है जो हम भोजन के उपरांत कर सकते हैं और भोजन के उपरांत करने से हमें उससे ज्यादा लाभ होते हैं। जिन लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, जिनकी पाचन शक्ति कमजोर हो, उनके लिए ये आसन अति लाभदायक आसन है। इसमें आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे और कंफर्टेबली आप अपने स्थान पर बैठ सके। आप ये अपने बेड पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप ऐसे बैठेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों को नी की प्रॉब्लम हो वो इसका अभ्यास ना करें, बाकी सभी लोग भोजन के उपरांत शुरू कर सकते हैं। 2 मिनट से शुरू करते हुए 10 मिनट तक इस आसन का अभ्यास हमें नित्य प्रति करना चाहिए। ये वज्रासन चक्कर। अगला जो आसन हम अभी करने वाले हैं उसका नाम है वक्रासन। वक्रासन लगभग सभी लोग कर सकते हैं। एकम राइट लेग को फोल्ड करते हुए और पीछे राइट हैंड से सहारा लेते हुए लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड राइट लेग के साथ ले आते हुए पीछे
अपनी अपने हाथ को वापस लाते हुए चप्पल दोनों पैरों को सीधा करते हुए दोनों हाथों का पीछे सहारा लेंगे, कंप्लीट रिलैक्स, आंखें बंद करेंगे, मन ही मन अपने श्वास परिश्वास को ध्यान श्वास और फिर ओंकार करेंगे आसन की स्थिति में आते हुए एक लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट हैंड का पीछे सहारा लेंगे, राइट हैंड को साइड से लाते हुए वज्रासन, सुखासन, क्रॉस लेग्स, किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद, मन शांत, प्राणायाम मंत्र का अभ्यास करेंगे, नमस्कार मुद्रा पीछे पीछे दोहराएंगे, प्राण से दम वशे सर्वम विदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्राणि रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञांच विधेयनेति। सबसे पहले हम अल्टरनेटिव नॉस्टल्स विशिष्ट कपालभाति का अभ्यास करेंगे, राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाते हुए श्रुति दोनों अंदर बाकी बाहर और नासिका मुद्रा बनाते हुए फर्स्ट राउंड शुरू करेंगे। अल्टरनेटिव नॉस्टल्स विशिष्ट कपालभाति हम फोर्सफुल एक्सहेल करेंगे, इनहेल नेचुरली शुरू करेंगे फर्स्ट राउंड।
कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे आपकी दोनों मुट्ठियां बंद करते हुए अंदर की ओर। कपालभाति क्रिया जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो वो सावधानी बरतते हुए इसका अभ्यास करेंगे। हमें फोर्सफुल एक्सहेल करना है, इनहेल नेचुरली होगा, शुरू करेंगे फर्स्ट राउंड। आखिरी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाते हुए शुरू की दोनों उंगलियां अंदर बाद की बाहर, राइट नोस्टिल से अंगूठी से राइट नोस्टिल बंद करते हुए ये फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट नोस्टिल लेफ्ट नोस्टिल को बंद करते हुए एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्टिल फिर से यही से इनहेल और एक्सहेल को रिदम में करेंगे। इनहेल एक्सहेल जो अभी हमने प्राणायाम किए ये सभी प्राणायाम लगभग हमारे 99%
हमारे जो डिजीज है उनको क्योर कर सकते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो समय के साथ आपको लाभ होगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, कब्जी हो, आपके खून में गांठ की प्रॉब्लम हो, आपके बॉडी बैलेंस की प्रॉब्लम हो, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, उन सभी चीजों के लिए ये अति लाभदायक प्राणायाम। ये हमें नित्य प्रति लगभग 5 से 10 मिनट तक एक एक प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन वार्म अप के बाद ये हम सावधानी एक बार बरतें। नमस्कार मुद्रा प्रार्थना पीछे दोहराएंगे। योगे न चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य योगे चित्ते पतंजलिं प्राञ्जलिराम करोतम सर्वे भवन्तु सुखिनः पतंजलिं प्राञ्जलिराम करोतम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु पश्यन्तु मां कवे अभी बस मैं आपके 5 से 10 मिनट और लूंगा, जिसमें जैसे सर ने बताया कुछ योग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो अभी मैंने मंत्र बोला योगे न चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस च विद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राण जलिराम तोस्मिन। हम महर्षि पतंजलि को धन्यवाद कर रहे हैं क्या उन्होंने योग दिया हमारे मन हमारी बुद्धि के लिए, उन्होंने व्याकरण दिया हमारी हमें बोलने के लिए, और आयुर्वेद दिया हमारे शरीर के लिए। जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये योग की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। जो स्टार्टिंग की जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामियन, इजिप्टियन, चाइनीज और इंडस सिविलाइजेशन, अगर मूल रूप में अगर कोई सिविलाइजेशन आज भी जीवित है तो वो हमारी इंडस सिविलाइजेशन। ये भारतीय परंपरा तब से कंटिन्यू हो रही है। उसके मोहनजोदड़ो शहर में एक हमें सीन मिलता है जिसमें योगिक पोस्चर में प्रोटो शिवा बैठे हैं विद स्पाइन इरेक्ट क्रॉस लेग्स, और उस पशुपति शिवा को आज वर्तमान परिपेक्ष में हम आदि शिवा के नाम से जानते हैं, आदि योगी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब वैदिक काल आया तो ये एजुकेशन के माध्यम से युवाओं के बीच में भी योग गया, अध्ययन में भी ये शुरू हो गया। उसके बाद भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने भी इसके योग की सिद्धि लेते हुए ज्ञान प्राप्त किया, और 1440-1450 AD में महर्षि पतंजलि का जन्म होता है और वो जन साधारण के लिए योग बना देते हैं और अपने अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट देते हैं, जीवन जीने की पद्धति के साथ उसको जोड़ देते हैं, जिसमें अष्टांग योग मतलब यम नियम मतलब डूज एंड डोंट्स, जिसमें आ गया सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, शौच, संतोष, ऐश्वर्य परिधान, स्वाध्याय, तपस, इनका पालन करना है, डूज एंड डोंट्स। इसके बाद आसन प्राणायाम, जिसका आज हमने प्रैक्टिस किया आसन प्राणायाम, ये थर्ड एंड फोर्थ है। तो यम नियम, आसन प्राणायाम, फिर प्रतिहार डिटैचमेंट, फिर धारणा आपने शुरू करी है किसी चीज पर, फिर ध्यान मेडिटेशन, और फिर समाधि। तो ये एट फोल्ड पाथ उन्होंने दिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर दुनिया से किसी ने रूबरू करवाया तो वो स्वामी विवेकानंद थे, 19th सेंचुरी के महान योगी। 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन को विश्व पटल पर रखते हैं, और लगभग आने वाले 3.5 साल वो अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज में व्याख्यान भी देते हैं और कक्षाएं भी लेते हैं योग के ऊपर, वेदांत के ऊपर, इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन के ऊपर। स्वामी विवेकानंद लाहौर में दिए हुए, समय भारत था लाहौर, तो लाहौर में दिए हुए एक लेक्चर जो उनका है कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म,
उसमें वो कहते हैं क्या हर एक देश का एक उद्देश्य है और उसी की पूर्ति के लिए वो पैदा हुआ है। अराइज इंडिया कॉन्कर द वर्ल्ड विद स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने कॉन्कर करने के लिए भी कहा तो स्पिरिचुअलिटी के साथ कहा। और फिर वो कहते हैं क्या सबको ऋषि बनना पड़ेगा ये परंपरा को भेजने के लिए। और इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2014 में जब वो यूनाइटेड नेशंस सभा में जब बोल रहे होते हैं तो उन्होंने ये एक मुद्दा रखा क्या इंटरनेशनल योगा डे मनाना चाहिए पूरे राष्ट्र को, और ये सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। 177 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्टेंस दिया। और फिर पूरे विश्व भर में आज आईफल टावर से लेके हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में फोटो दिखेंगी, लेकिन निगाहें तो भारत में रहेंगी क्योंकि भारत ने इसका मूल रूप दिया है। और भारत ने कभी जीवन को टुकड़ों में नहीं देखा क्या टुकड़ों में हम जी रहे हैं, वरना इतना बड़ा भूखंड जिसमें हम रहते हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी, उसमें हम अगर आध्यात्मिकता अगर हमारे अंदर विद्यमान नहीं रहती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। 1947 में हमारे दो टुकड़े हुए थे, एक बांग्लादेश बना था उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान और एक आज का पाकिस्तान, वो रिलीजन के दम पे भी नहीं टिक पाए क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं थी। ये इतना बड़ा भूखंड इसीलिए आज विद्यमान है, इसीलिए आज एक है क्योंकि पूरा भारत में आध्यात्मिकता है। और यहाँ जब हम योग की भी बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा वो सब जुड़ा हुआ है, व्यक्ति परिवार से जुड़ा हुआ है, परिवार समाज से जुड़ा हुआ है, समाज राष्ट्र से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र समष्टि से जुड़ा हुआ है। महोप उपनिषद का बड़ा अच्छा श्लोक है, वो आपने सुना भी होगा क्या, वसुदेव कुटुम्बकम अयम निज परोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुम्बकम, ये मेरा मित्र है ये मेरा मित्र नहीं है, ये तो संकीर्ण सोच है, ये पूरा विश्व ही मेरा है, ये विश्व ही एक है। उस भारतीय संस्कृति का विचार देने वाले ये भारत भूमि और इसने ये योग दिया है। और इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम देख रहे हैं क्या कोरोना की प्रॉब्लम बहुत प्रखरता से सामने आ रही है और एक लंबे समय तक चलने वाली है, और आर्थिक संकट तो हम सबके सामने है ही, लोग उससे चुनौती से लड़ रहे हैं, लेकिन मानसिक संकट उससे भी ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। तो उसको देखने के लिए जब अगर एक मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं तो जैसे मैं और मेरा भावना अगर प्रखरता से सामने आता है तो मानसिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्या मेरा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। तो इस चीजों के बारे में हम कम सोचें और वर्तमान में किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं उस पे हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये विश्व को देने वाली चीज अगर भारत ही नहीं अपनाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होगा। इसीलिए जो मेंटल हेल्थ की जो धीरे 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 जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है, अभी उपनिषद की मैं अगर किसी भी उपनिषद की बात करूंगा तो वो सब कुछ शरीर से बाहर जाके मन की ही बात कर रहा है। इसलिए अगर एक मंत्र अगर आज मैं आपको दूं मेडिटेशन का तो आप नॉर्मली मेडिटेशन हमसे होगा नहीं, इसलिए हम बैठकर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। आप नॉर्मली बैठिए, आपकी स्पाइन इरेक्ट हो, कंफर्टेबल पोस्चर जैसा भी, इजीली आलती पालती मारकर क्रॉस लेग्स आपका कि किसी भी पोस्चर में आप बैठना चाहें आप वैसे बैठिए, और अपने ब्रीदिंग पर धीरे धीरे कैसे आप इनहेल कर रहे हैं कैसे आप एक्सहेल कर रहे हैं उस पे फोकस करिए, और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मैं तो नित्य प्रति कितने सालों से ब्रीदिंग कर रहा हूँ लेकिन मैंने महसूस नहीं किया कभी। और फिर धीरे धीरे कुंभक की स्थिति आएगी कि आप बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, आपका उस पर भी ध्यान नहीं जाएगा, और नित्य प्रति फिर हम 9 राउंड ओंकार के उसके बीच बीच करते रहे। तो इस प्रोसेस से हम जन साधारण से ये शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा है। संवर्धन ट्रस्ट के सभी जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन्होंने मुझे बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर वेद सर का, उनका स्नेह लगभग पिछले 3 साल से नित्य प्रति मुझे आता रहता है और उनका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, आपने इतना हमें समझाया योग के बारे में और अपना प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया। सर मैं चाहूँगी कि आप रिजल्ट्स अनाउंस कर दीजिए जो हमारे योग कंपटीशन के विनर्स हैं।
इसपे जो वेद सर ने जो मुझे फोटोज भेजी थी, लगभग सर ने जो टॉप 20 थे उनकी भेजी थी सर ने सिलेक्टिव, तो जो मुझे लगा उसमें फर्स्ट है शुभम कुमार, सेकंड है संगीता और थर्ड सुकृति। तो ये तीन आसन उन्होंने, बाकी सब लोगों ने बड़ा अच्छे आसन किए, लेकिन इन्होंने पूर्णतः वो आसन किए थे जो उनकी सही स्थिति थी उसी को रोकते हुए उन्होंने उसमें रुका था, तो ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। शुभम कुमार हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन योगा कंपटीशन, संगीता हैज गॉट द सेकंड पोजीशन एंड सुकृति हैज गॉट द थर्ड पोजीशन इन आवर योगा कंपटीशन, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर विनर्स। Now I would like to invite Dr. S.B. Singh, the Managing Trustee of our NGO, to share his views and give vote of thanks on behalf of our whole Council of 2021. नमस्कार। पहले इसके पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है। So सही सर, एक मेरी रिक्वेस्ट से पहले उसको सुन ले। वृक्षित फाउंडेशन की तरफ से अगर कोई बोलना चाहे, if someone wants to speak on behalf of Vrikshit Foundation, they are welcome. Then we'll then you deliver vote of thanks. Is there someone from Vrikshit Foundation? अगर कोई सज्जन कोई है Vrikshit Foundation से, please come out. आप अपनी बात रख सकते हैं. We are thankful and grateful to you for accepting our collaboration proposal. Is there anyone from Vrikshit Foundation? I don't think so. So Sahi sir, please you deliver vote of thanks. नमस्कार सर, आप करिए। हाँ नमस्कार, आप सबका सादर अभिनंदन। मैं मैनेजिंग ट्रस्टी समर्थन ट्रस्ट के नाते और समर्थन ट्रस्ट की तरफ से सबसे पहले अपने प्रमुख अतिथि और इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर निखिल यादव जी, विवेकानंद युवा केंद्र के प्रांत प्रमुख और वृक्षिका फाउंडेशन को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप निखिल यादव जी के मार्गदर्शन और या यूँ कहें कि हमें आज का जो योगा का पाठ सिखाया है उसके लिए मुझे विश्वास है कि हम सभी सदस्यों और हम सबके माध्यम से समाज के दूर के क्षेत्रों तक योग लाभकर होगा, पहुँचेगा। मैं अपनी चीफ पैटर्न ज्योतिनाथ प्रोफेसर ज्योतिनाथ तिवारी मैम का, अपनी अध्यक्षा प्रोफेसर योतिका मिश्रा जी का, समर्थन ट्रस्ट के सचिव भाई वेदवत जी का, कोषाध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, सॉरी अखिलेश मिश्र जी का, अन्य सदस्यों में शिवरंजनी जी, भट्ट जी, रंजन महतो जी सहित सभी सदस्यों का और अपने युवा छात्रों मित्रों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है हम सब इसी तरह से एक सफल और सुयश के रास्ते पर अपनी संस्था को आगे बढ़ाएंगे, देश और समाज के प्रगति में एक अच्छा महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। थैंक यू सर। आई ऑल्सो थैंक आवर इवेंट पार्टनर वृक्षित फाउंडेशन एंड जया आर पी आर इंटर्न फॉर ब्रिंगिंग दिस कोलैबोरेशन विद अस। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। एंड सर, आप निखिल जी, आपके जो योगा टिप्स थे वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल थे एंड आपने जो हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर की वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक प्रूव होंगे आगे जाके, एंड हम इस प्रेरणा को लेके आगे अपने स्वास्थ्य के लिए भी अपना काम करेंगे। धन्यवाद। वेद जी,
अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं निखिल सर से तो पूछ सकते हैं अभी। हाँ, मेरा एक सवाल है आर्विन। हेलो हेमरेन। यस सर ये ऑर्डर। हाँ, मैं निखिल यादव जी से एक जिज्ञासा अपनी व्यक्त करना चाहूँगा प्रश्न के माध्यम से कि जब हम अनुलोम विलोम कर रहे थे तो क्या इसमें रुकना नहीं होता है, इतना ही गति रखें या इसमें रुक के करें या दोनों ठीक है? So I think he is not with us right now here in our webinar. Okay. Yes sir, he has left. So, thank you Amran. Thank you sir. So we are closing our program here on a great note. Thank you everyone for joining with us. Thank you.